स्वीडन में इस्लाम के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ को जलाने का विरोध बरेली तक दिखाई दिया। यहाँ खानकाह नियाजिया के प्रबंधक मोहम्मद मेहंदी मियां निजामी नियाजी के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से जिलाधिकारी कार्यालय तक शांति मार्च निकाला और राष्ट्रपति को संबोधित एसीएम द्वितीय को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान खानकाह नियाजिया के प्रबंधक शब्बू मियां ने कहा कि कुरान शरीफ को जलाने की निंदनीय घटना ने न केवल मुसलमानों को बल्कि विश्व के सभी शांतिप्रिय लोगों को गहरा आघात पहुँचाया है। स्वीडन के अंदर घटना घटी है जो सब निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। पूरी दुनिया में अमन पसंद लोग हैं, तमाम मजहब व मिल्लत के लोग हैं। इसी सिलसिले में खानकाह नियाजिया के आज जुलूस निकला है आज मेहंदी में, अलहाज मेहंदी में सजा नशीन के क़यादत में, और तमाम मुतालिकीन मुतवसिलीन मुहिब्बीन हर धर्म के लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो राष्ट्रपति महोदया के हम ज्ञापन दिया है, कुरान होली कुरान को जलाया गया है जो बहुत ही निंदनीय है और पूरी दुनिया में उसकी मदम्मत हो रही है। हम का अखलाकी इंसानी मजहबी फ़र्ज है तो हम भी इसमें शरीक हों और पूरी दुनिया का आवाज़ को बुलंद करें। जो अमन पसंद लोग हैं इससे शरपसंदी को सबको बढ़ावा मिलता है। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में अमन शांति कायम रहे और सद्भावना कायम रहे, किसी के मजहब की किताबों के साथ छेड़छाड़ ना हो, बेहरमती ना हो। हम सब लोग एक आवाज़ हैं तमाम मजहब के लोग। इस सिलसिले में खानकाह नियाजिया से एक जुलूस निकला है आज जो कलेक्ट्रेट पे पहुंचा है और राष्ट्रपति महोदया को संबंधित ज्ञापन दिया गया है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।